तो ये लीजिए। हमारा सर धर से लगा दीजिए। आप पर संशय करने के बजाय आपके हाथों मरना पसंद करेंगे। यदि आपको रत्ती भर भी संदेह है हमारी बातों पर तो उड़ा दीजिए हमारे करता करता। हृदय में है कुंवर प्रथा। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रथा, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा, अपने आप से भी विश्वास उठ जाएगा। हे भगवान, यही तो हम नहीं देख पाते थे बिजौलिया में, ये त्याग और विश्वास के उतार जो सिर्फ इसी महल में देखने के लिए मिल सकते हैं। हम भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे त्याग और विश्वास भरे परिवार का अंग बनने का अवसर दिया। आपको नहीं लगता कि हमें दाजीराज को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? नहीं अजबद, नहीं। दाजीराज को हमें इन बातों से दूर रखना चाहिए। उनके पास इससे ही बड़ी समस्या है, मुगलों की। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शहंशाह, वो ग्वालियर।
अब तो? दादा भाई बाद में खा लेंगे। बाद में? मतलब कब? हम तो उनके खाने के बाद ही खाते हैं ना सदा। फिर तो आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, हम क्यों रहेंगे भूखा? अब अजब ने भाभी जी आ गई है ना। अब तो अजब ने भाभी जी आई है, इसका मतलब दादा भी भूखे रहेंगे अब। चांद, वो अजब दे भाभी जी के साथ खा लेंगे। मान, आप अपने दादा भाई को खाना परोसिए, हम अभी आते हैं। अनीमा, कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज आपके वहां ना होने से क्रोधित हो रहे हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन पे। पर हमने दाजीराज से कह दिया था कि हम भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है किसी और बात से उनका मन अशांत हो, हमें लगा कि आपके ना होने के कारण। वैसे कहाँ जा रहे थे आप? छोटी माँ, ये कैसा प्रश्न है छोटी माँ? अपने कक्ष में वे अपनी पत्नी से ही तो मिलने जा रहे हैं, है ना कुंवर प्रताप? यदि ऐसी बात है अजबदे, तो हम आपसे कह दें कि पति पत्नी का पहला मिलन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है, उसके लिए हमें मुहूर्त निकालना पड़ता है। चलिए कुंवर प्रताप। छोटी माँ, आप भूल गई, इस महल के 100 वर्षों का पंचांग हमने ही निकल कर भिजवाया था उपहार में, तो फिर हम मुहूर्त को कैसे भूल सकते हैं? फिर भी सतर्कतावश हमने पंडित चक्रपाणी मिश्र जी से आज ही बात की थी इसी विषय पर, और उनका भी यही मत है, ये मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है। ऐसी बात है जब दे, तो फिर सारे ग्रह सारे नक्षत्र आपके साथ है ना? आप जाए कुंवर प्रताप, आपके दाजी राज को आपके बिना भोजन करने की आदत पड़ जाएगी। नहीं रानी मां, वो कौन हो तुम? अपना परिचय दो, अन्यथा मौत के घाट उतार देंगे हम। हम ग्वालियर नरेश राम शाह तनवर हैं, और ये हैं हमारे सुपुत्र। हमें अभी के अभी राणा उदय सिंह से मिलना है। कदाचित हमने आपको यहाँ पर रोकने के लिए बोलकर हमारी लाज और शील की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और हमें इसका खेद है, इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने जो कुछ भी कहा, क्या आप उसे भुला सकते हैं? हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है। हम सोने जा रहे हैं। रानी माँ के सामने जो आपने कहा, माना वो आपकी भूल थी, किंतु ये सब तैयारियां कहने भी अपनी भूल गई। ये सब तो बस हमने सोचा कक्ष को थोड़ा सजा दे।
गुर्ब और कोई बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कितने बहाने बनाएंगे आप अपने प्रेम को छिपाने के लिए? हमें डर लगता है कि कहीं आप हमें पागल ना समझे। वो तो आप हैं। मैं ही तो हूं, बस मैं ही तो हूं, पास तुम्हारे मैं ही तो हूं, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूं, आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूं। हमें घबराहट हो रही है। अच्छा, जब रानी मां से तर्क कर रही थी तब तो हमें लगा नहीं कि अब घबरा भी सकती हैं। आपातकालीन दरबार के लिए घंटनाद हुआ है, हमें जाना होगा। कुछ पता चला कि ग्वालियर का राजा और उसका बेटा कहां छुपे हैं? नहीं हुजूर। कहां चले गए? ये दोनों बाप बेटे नहीं मिल जाते, शहंशाह की नजर में तो हमारी ये जीत अधूरी रहेगी। पर हुजूर, ग्वालियर पे आपकी शानदार फतेह के बाद राजपूतों में ऐसा कौन जो हमारे दुश्मनों को पनाह देने की जरूरत कर सकता है? आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कहिए ग्वालियर नरेश, क्या कहना चाहते हैं आप? राजनीतिक शरण के लिए अब हमारे सामने चित्तौड़ ही एक आशा की अंतिम किरण है। उदय सिंह जी, समस्त राजपुताने ने मुगलों के भय से हमें निराश होकर लौटा दिया है, अब आप भी अपना निर्णय सुना दें। राजीराज, हमें लगता है कि ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को हमें राजनीतिक शरण देनी चाहिए। पर हुजूर, अगर मेवाड़ ने उन दोनों को पनाह दे दी तो? अगर मेवाड़ ने उन दोनों को पनाह देने की जरूरत की है तो इसका मतलब है हमें जंग के लिए सरेआम दावत। वैसे मुगलों के दुश्मनों को पनाह देने की ये बेवकूफी इस वक्त मेवाड़ के अलावा इस मुल्क की और कोई रियासत नहीं कर सकती। हमें फौरन ग्वालियर के राजा और उसके बेटे की तलाश में चित्तौड़ की तरफ निकलना पड़ेगा। हमारे जाने की मुकम्मल तैयारियां की जाए फौरन। राणा जी, पावजीराज प्रताप शूरवीर हैं और निर्भीक भी, किंतु एक सत्य ये भी है कि जीवन में इस समय बावजीराज युवा है, और एक वीर युवा कभी कभी जीवन में भावनावश निर्णय ले लेता है, और हमारे मत में बावजीराज ने इस परिस्थिति में कुछ ऐसा ही किया है।
औचिराज, आपकी और इस समस्त मेवाड़ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। इसलिए जब जब प्रश्न आपकी और मेवाड़ की सुरक्षा का आता है तो हम कटु से कटु सत्य बोलने से भी नहीं चूकते। हम आपकी ग्वालियर नरेश को बचाने की मंशा को मानते हैं, किंतु इस समय यदि हमने ग्वालियर नरेश को राजनैतिक संरक्षण दे दिया तो एक ऐसे संकट को मोल लेना होगा जिसके लिए राणा जी, जिसके लिए मेवाड़ इस समय तैयार नहीं है। रावत जी, चाहे जितना भी संकट क्यों ना हो, शरणागत को शरण देने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। निसंदेह हम मानते हैं कि महल में आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, किंतु इस समय क्या रावत जी, इस संदर्भ से आने वाले सभी संभावित संकटों से भली भांति परिचित है। इस संकट की घड़ी में यदि हमने इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, इनका साथ नहीं दिया, तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब मुगल हमारी समस्त मातृभूमि पर अधिकार जमा लेंगे। अजीराज, आप ही बोलिए, क्या इस संकट की घड़ी में मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए हम अपनी पहचान छोड़ देंगे? यही तो समय है सारे राजपुताने को संदेश देने का कि हमें मिलकर रहना है, एकजुट होकर रहना है, चाहे शत्रु जितना ही बड़ा क्यों ना हो। अजीराज, आपका सम्मान करते हुए पूरी विनम्रता से हम यह कहेंगे कि यह समय जो है और निर्णय का नहीं बल्कि ठोस निर्णय लेने का है। क्षमा चाहते हैं दाजीराज, परंतु दादा भाई हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। मतलब यदि दाजीराज चुप है तो इसका अर्थ यह है कि वो कुछ सोच रहे हैं, और यदि दाजीराज किसी भी निर्णय को लेने के लिए समय ले रहे हैं उसमें आप उन पे दबाव कैसे डाल सकते हैं? बल्कि हम तो बस कौर जगमाल, बस ग्वालियर नरेश राम शाह तनवर जी, आप देख सकते हैं किस निर्णय को लेकर हमारे दरबार में ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी भिन्न भिन्न स्वर उठ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि निर्णय लेने के लिए आप हमें समय दें, आज रात का समय। इसलिए तब तक आप हमारे राजकीय विश्राम गृह में जाकर विश्राम करें। धन्यवाद महाराज। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि महाराज। बाबू जी, हे भगवान, चल गई हमारी बात। अरे दरबार में दादा भाई की बात काटती हमने। जय हो कुंवर जगमाल की जय हो। पता है आपको जीवन में अधिक हमने क्या किया है? कुंवर प्रताप की प्रतीक्षा। आप आए नहीं थे ना, तो समय काटने के लिए हम फूलों के साथ, हम हर समय ऐसा नहीं करते। अगर ग्वालियर नरेश और उनके बेटे को मेवाड़ ने पनाह नहीं दी तो राजपुताने में कोई और राज्य भी उन्हें पनाह नहीं देगा। राजीराज ऐसा तो होने नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, आपकी बात से सहमत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंवर प्रताप, आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? हमें भी लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। अपना कर्तव्य, दूसरों के लिए अपनी सहानुभूति। क्या मतलब? क्यों हम राजनीतिक कारणों के नाम पे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य भुला देते हैं? आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें भी दरबार में सबके स्वर नहीं समझ आ रहे थे, इसलिए हमने दाजीराज के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। लगता है रात भर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।